कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल के गायनी वार्ड की तजीनो आराइश के काम का संगे बुनियाद रख दिया। अब्बासी शहीद अस्पताल के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची बोले कि 31 दिसंबर तक अस्पताल की तजीनो आराइश का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी गरीबों को मुफ्त इलाज की बेहतर सहूलियात फराहम करना चाहती है। हम वसाइल का रोना नहीं रोएंगे, चाहते हैं या चीजों को खराब करना चाहते हैं। ये मेरा इदारा है, ये आपका इदारा है, ये कराची की आवाम का इदारा है। रोज इस इदारे के बारे में गलत खबर तो टीवी पर नशर होती है, लेकिन आज जब अच्छी खबर नशर होनी थी कि हमारी माओ बहनों को आपके इख्तलाफात हैं मुर्तजा वहाब से, सलमान से, मसरूर एहसन से, दिल मोहम्मद से, सियासी इख्तलाफात आपके हो सकते हैं, आपका इन माओ बहनों से क्या एतराज है, इन पेशेंट से क्या एतराज है? अगर उनको अच्छी सहूलियात मिलेंगी तो आपका तो हर सियासी जमात का, सियासी कारकुन का भी इंटरेस्ट होना चाहिए और हर डॉक्टर का भी इंटरेस्ट होना चाहिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। आज अस्पताल के दौरे पर मेयर कराची को एहतजाजी मुजाहिरीन का भी सामना, जिसका मेयर कराची ने नहायत तहम्मुल से जवाब दिया और एहतजाजी मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि वो जल्द उनके तमाम वाजिबात अदा कर देंगे। मैं चाहता मैं यहाँ नहीं आता और ये खबर दब जाती, किसी को पता नहीं चलती, मैं मुंह मोड़ लेता, लेकिन मैं आया यहाँ पे। ये जो बच्चे बच्चियों को लोग मिसगाइड करके प्रोटेस्ट करा रहे हैं, मैंने उनको फेस किया, सलमान साहब ने फेस किया, ये हमारे अपने बच्चे बच्चियां हैं, ये मेरे बच्चे बच्चे, मेरे भाई बहन हैं, ये इनको फेस किया। मैं आप दोस्तों से चाहूंगा कि जब आज आप अपनी बुलेटिन चलाएं, हेडलाइन चलाएं, तो अच्छी चीज दिखाइएगा, मनफी चीज नहीं दिखाइएगा। शहर में, आपके शहर में सिर्फ मनफी चीजें नहीं होती, अच्छी चीजें भी होती हैं। वक्त आ गया अपने शहर की मनफी चीजों को हम हाईलाइट ना करें, अच्छे कामों को हाईलाइट करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मेरा वादा है, ये जो प्रेशर टैक्टिक्स होती है ना, ये मेरे अजाइम को, सलमान के अजाइम को मजीद मजबूत करेंगी। बल्दिया उसमें कराची से तनख्वाह ना लेने का ऐलान करते हुए मेयर कराची का कहना था कि कल ऑर्डर पास किया, मैं बहैसियत मेयर जब तक अपने ओहदे पर रहूंगा तनख्वाह नहीं लूंगा। अब्बासी शहीद अस्पताल में ड्यूटी पर ना आने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, अब सिर्फ काम करने वालों को तनख्वाहें मिलेंगी।